नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो पेपल कैश की अर्निंग करना चाहते हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो पेटीएम कैश की अर्निंग करना चाहते हैं। तो आज दोस्तों दिक्कत नहीं है कोई भी, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप पेपल कैश की अर्निंग भी करते हो तो उससे पेपल से अपने पेटीएम में कैसे पैसे ले सकते हो। और अगर पेटीएम कैश की अर्निंग दोस्तों आप करना चाहते हो तो उसके लिए तो मैं डायरेक्ट एक जेन्युइन एप्लीकेशन भी मैं आपको सजेस्ट कर लूँगा, जिससे मैं खुद ऑनलाइन अर्निंग अभी भी करता हूं। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो कौन कौन सी एप्लीकेशन है तो इंस्टाग्राम पे आके हमें फॉलो कर लीजिए। लिंक सारे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करता हूं मैं बिना समय गवाए। दोस्तों देखिए, पेपल से अगर आपने पेटीएम में अपना अमाउंट लेना है तो आपने करना क्या होगा। पहले तो सबसे पहले आपने पेपल में अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। जैसे ही आप अपना अकाउंट बना लोगे, उसके बाद पेटीएम में भी दोस्तों एक अकाउंट अपना बनाना पड़ेगा, और पेटीएम में दोस्तों पेटीएम बैंक में भी अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। जब आप इन सभी को जहाँ जहाँ आपने अकाउंट बनाए हैं उसको वेरीफाई कर दोगे, तो उसके बाद आपने दोस्तों आपका आपका जो पेटीएम बैंक का अकाउंट नंबर है उसको कॉपी करना है और पेपल में आ जाना है। और जहां पे लिंक बैंक अकाउंट का ऑप्शन आता है दोस्तों, वहां पे अपना पेटीएम बैंक का अकाउंट डालना है और आईएफएससी कोड डालना है। अगर आपको पेटीएम का आईएफएससी कोड नहीं मिलता है तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगा, आप कमेंट करिए या फिर इंस्टाग्राम पे आके आप हमसे पूछ लीजिए। जब आप बैंक अकाउंट और आईएफएससी कोड डाल लोगे तो उसके बाद कन्फर्म पे आपने टैप करना है। देखिए, वेरीफाई करने के लिए आपके पेटीएम पे दो छोटे से अमाउंट आएंगे, 1-1.5 रुपए के आसपास। आपने दोस्तों उन अमाउंट को पेपल में जाके कन्फर्म बैंक अकाउंट वाले सेक्शन पे जाना है, जहाँ पे आपने पेटीएम का बैंक अकाउंट लगाया था। अब आपने दोस्तों जैसे ही आप उसमें जो अमाउंट आए थे फिलअप कर दोगे, कन्फर्म कर दोगे, तो आपका जो पेपल में अकाउंट था वो कन्फर्म हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, और आपके पेपल में पेटीएम बैंक का अकाउंट लग जाएगा, लिंक हो जाएगा। अब दोस्तों अब बात आती है पेपल कैश की अर्निंग करने की। तो दोस्तों काफ़ी सारी एप्लीकेशन ऐसी है जो पेपल कैश की अर्निंग प्रोवाइड कराती है, तो वो सारी एप्लीकेशन है दोस्तों मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आ जाऊंगा, जहां से आप अर्निंग कर पाओगे पेपल कैश की। बाकी जैसे ही आपके पेपल अकाउंट में दोस्तों पैसा आ जाता है, वो ऑटोमेटिकली 24 घंटे में आपके पेटीएम में ट्रांसफर हो जाएगा दोस्तों, और आपको मिलेगा टंटना पेटीएम कैश की अर्निंग। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पेपल कैश की अर्निंग करना चाहते हो और पेटीएम कैश की भी, तो दोनों चीज़ आप एक तरीके से कर सकोगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो भी बातें मैंने बताई, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। साथ ही साथ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करना, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हो दोस्तों तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और सर्च करते हैं जेन्युइन तरीके लेकर आने की आप लोगों के लिए ऑनलाइन अर्निंग के। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगले दिन एक अगली वीडियो में। तब तक बाय बाय, नमस्कार।